To stay updated, subscribe to TJA Academy. Bismillahirrahmanirrahim. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कंपैरिजन है एंगल ग्रेंगर एंड जॉनसन को इंटीग्रेशन का. टाइम सीरीज को इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जॉनसन को इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, एंगल ग्रेंगर को इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, कि इनका कंपैरिजन कब ये इस्तेमाल करेंगे, कब जॉनसन इस्तेमाल करेंगे. देखिए, ये को इंटीग्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट यूनिट रूट से अटैच लिंक करके हम तमाम वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम जो हमने कंडीशन देखी थी किस वीडियो में, जिसमें हमने मॉडल सिलेक्शन की बात की थी कि जब सारे वेरिएबल आई वन होंगे, ऑल वेरिएबल्स आर आई वन, इट मीन्स ऑल वेरिएबल्स आर स्टेशनरी एट फर्स्ट डिफरेंस, तो उस वक्त आप जो को इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे उनमें से दो जो इंपॉर्टेंट को इंटीग्रेशन है वो आपके पास एंगल ग्रेंगर और जॉनसन को इंटीग्रेशन है. अब सवाल ये है कि दोनों जब उसी वक्त अप्लाई करते हैं तो उनका डिफरेंस क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं और कब हम ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं. देखें, एक बात तो ध्यान में रखें, एजम्पशन, इन दोनों की बेसिक एजम्पशन क्या है कि ऑल वेरिएबल्स आर आई वन. ये दोनों सिर्फ उसी वक्त अप्लाई होंगे जब सारे के सारे वेरिएबल आई वन हो, यानी स्टेशनरी एट फर्स्ट डिफरेंस हो. अगर मिक्स ऑर्डर हो जाए तब भी अप्लाई नहीं होगा, और अगर सारे ही आई ज़ीरो हो जाएं तो फिर कोई इंटीग्रेशन पता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे अगर आई ज़ीरो हो तो आप डायरेक्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं, ओएलएस अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, अब थोड़ा सा एंगल ग्रेंगर के प्रोसीजर को देख लें, फिर जॉनसन के प्रोसीजर को देखेंगे. एंगल ग्रेंगर को इंटीग्रेशन, देखिए ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा हमने अपनी लास्ट जो को इंटीग्रेशन की वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था. उसमें हमने को इंटीग्रेशन को समझाने के लिए जिस प्रोसीजर को फॉलो किया था वो एंगल ग्रेंगर का ही प्रोसीजर था. कैसे, हमने क्या काम किया था एंगल ग्रेंगर में कि सबसे पहले आपने जो वेरिएबल्स हैं उनको चेक कर लिया कि सारे वेरिएबल्स कैसे हैं. आई वन है, आई वन का मतलब यह है, और लेवल पर यकीनन कोई ना कोई ट्रेंड होगा. तो जैसे हमने कहा था ये एक वेरिएबल का ट्रेंड, ये दूसरे वेरिएबल का ट्रेंड, लेट सपोज ये भी नॉन स्टेशनरी है, ये भी नॉन स्टेशनरी है. अच्छा, फिर हमने क्या कहा कि हमने एक जो रेग्रेशन हम रन कर रहे थे, ये सारा को इंटीग्रेशन वाले लगते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेट सपोज जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स प्लस बीटा टू जेड प्लस बीटा थ्री ए. तो अब यहाँ से जो वाई निकलेगा वो एक एस्टिमेटेड निकलेगा. बेसिकली ये एस्टिमेटेड वाई इन तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर हमने उस एस्टिमेटेड वाई को ड्रॉ किया और उस एस्टिमेटेड वाई का मतलब है ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वाई कैप और ये एक्चुअल वाई, तो इनके दरमियान का जो डिफरेंस है यानी जो एरर है, जो रेजिडुअल है, अगर वो स्टेशनरी हो जाए, उनके दरमियान का गैप ऑलमोस्ट सेम हो जाए, यानी जो आने वाला डिफरेंस है यानी रेजिडुअल एरर वो कैसा हो जाए, रेजिडुअल और एरर वो कैसा हो जाए, स्टेशनरी हो जाए. तो आपने कहा था कि अच्छा ऐसी कंडीशन में क्योंकि इनके दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो हम ऐसी सूरत में ओएलएस रन कर सकते हैं, को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है. ये हमने एंगल ग्रेंगर के प्रोसीजर से ही अप्लाई किया था. इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आप स्टेप में क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप रन करेंगे ओएलएस, जो आप रेग्रेशन रन करते हैं. आपने रेग्रेशन रन कर ली, लेकिन अभी आपको ये कंफर्म नहीं है कि जो रेग्रेशन हमने रन की है लेवल के डेटा पे वो सही है भी कि नहीं है, क्योंकि वेरिएबल सो लेवल पे स्टेशनरी नहीं थे, फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी थे. आपने ओएलएस रन कर दी, अब हम ये जानने जा रहे हैं कि क्या जो ओएलएस हमने रन की थी वो सही थी या नहीं थी. तो जब ओएलएस रन कर ली, तो जब ओएलएस रन हो जाएगी तो ओएलएस रन होने के बाद इसके आखिर में जो रेजिडुअल है वो भी एस्टीमेट हो जाएगा. तो इसका दूसरा स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पर रेजिडुअल एस्टीमेट करें, फाइंड रेजिडुअल, रेजिडुअल फाइंड, यानी ओएलएस रन करें. अभी आपको नहीं पता कि ये जो रेग्रेशन रन की है वो सही है कि नहीं, क्योंकि आपने लेवल पर रन कर दिए जबकि सारे डेटा कैसे हैं, आई वन है. तो अगर इनके दरमियान को इंटीग्रेशन होगी तब तो ये रेग्रेशन ठीक है, अगर इनके दरमियान को इंटीग्रेशन नहीं है तो फिर ये ओएलएस के रिजल्ट रिलायबल नहीं है. तो आपने ओएलएस रन की, ओएलएस रन करने के बाद आपने रेजिडुअल फाइंड किया. जब रेजिडुअल फाइंड हो गया तो इस रेजिडुअल पे अप्लाई यूनिट रूट टेस्ट.
यानी स्टेशनरी के लिए टेस्ट हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई यूनिट रूट ऑन रेजिडुअल। और जब हमने यूनिट रूट टेस्ट पर ये अप्लाई किया और रेजिडुअल कैसा निकला, आई जीरो। सारे वेरिएबल कैसे थे, आई वन। ओएलएस रन किया, ओएलएस रन करने के बाद रेजिडुअल निकाला, रेजिडुअल निकालने के बाद उस पर यूनिट रूट अप्लाई किया और रेजिडुअल पे यूनिट रूट अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आ रहा है कि रेजिडुअल जो है, जो एरर है, वो लेवल पर ही स्टेशनरी है। तो अगर सारे वेरिएबल आई वन है और उससे हासिल होने वाला रेजिडुअल, इक्वेशन से हासिल होने वाला रेजिडुअल आई जीरो है, तो इसका मतलब है इनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो, ये जो गैप है वो कांस्टेंट है, यानी कोइंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। ये प्रोसीजर फॉलो करता है कौन, एंगल ग्रैंगर कोइंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सिंगल इक्वेशन की बात हो रही है, हम मल्टीपल इक्वेशन की बात हमने नहीं की। अब आ जाते हैं आप जॉनसन कोइंटीग्रेशन की तरफ। अच्छा पहले तो ये चीज़ समझ लें कि अगर एंडोजेनस एक से ज़्यादा हो, एंडोजेनस यानी डिपेंडेंट एक से ज़्यादा हो किसी इक्वेशन में, लेट सपोज जैसे y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स प्लस बीटा टू जेड प्लस बीटा थ्री ई प्लस एरा टू, ये भी एंडोजेनस है, ये भी एंडोजेनस है, लेट सपोज ये भी एंडोजेनस है, तो ऐसी सूरत में एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, दूसरी एक और इक्वेशन बनेगी जिसमें x डिपेंडेंट होगा। अब ये अल्फा बीटा आप चेंज कर लीजिएगा आराम से, हम आसानी के लिए सेम लिख रहे हैं। ये एक और इक्वेशन बन गई। हाँ इसी तरीके से अगर z भी डिपेंडेंट बन सकता है तो ये एक और इक्वेशन बन गई। और इसी एंड सो ऑन, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो एंड। अब देखिए ये पूरा सिस्टम बनता चला जा रहा है कि जितने इंडिपेंडेंट हैं, अगर वो सारे एंडोजेनस हैं तो वो बारी बारी क्या बन सकते हैं, डिपेंडेंट बन सकते हैं। यानी ये एक अलग रिलेशनशिप है, ये एक अलग रिलेशनशिप है, ये एक अलग रिलेशनशिप है। अब सिस्टम में जब बात करते हैं, यानी एंडोजेनस एक से ज़्यादा हो जाएं, तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि कितनी इक्वेशंस, यानी एक दो तीन, यानी और भी जितनी बन सकती हैं, कितनी इक्वेशंस में ये कोइंटीग्रेशन का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। यानी यहाँ तो सिंगल इक्वेशन रन की थी ना, यहाँ पे उससे बता दें कोइंटीग्रेशन है या नहीं है, तो आप बस लेवल पे ओएलएस अप्लाई कर दें, बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन जब आप यहाँ पर आएँ जॉनसन पे आएँ, तो जॉनसन में सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि वो एक इक्वेशन को सिर्फ एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं करता, एक इक्वेशन की एंडोजेनिटी को यूज़ करके, यानी तमाम डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बारी बारी क्या बनाएगा, डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाएगा और उसमें पता करेगा कोइंटीग्रेशन है या नहीं। यानी वो ये देखेगा कि एक कोइंटीग्रेशन इक्वेशन मौजूद है या इस में सिस्टम में दो कोइंटीग्रेशन इक्वेशन मौजूद हैं या तीन कोइंटीग्रेशन मौजूद हैं। तो जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको यही नज़र आएगा कि एंगल ग्रैंगर सिंगल कोइंटीग्रेशन को यूज़ करता है, जबकि ये मल्टीवेरिएट फ्रेमवर्क को भी जॉनसन क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। यानी एक ही इक्वेशन के मल्टीपल एंडोजेनस के साथ एंडोजेनस चेंज कर करके जब हम देखते हैं तो इन तमाम में किस किस में कोइंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर हो सकती है और किस किस में कोइंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अच्छा सवाल ये है कि ज़रूरत क्या है इसकी, कि हम मल्टीपल कोइंटीग्रेशन की ज़रूरत क्या, हमें सिंगल इक्वेशन था, हमें सिंगल इक्वेशन में अप्लाई किया और हम आगे बढ़ गए, हमें कोइंटीग्रेशन पता लग गए, हमें इनकी इसकी ज़रूरत क्या है कि ये मल्टीपल इसको बनाए। देखें जब आप रिग्रेशन इक्वेशन में एज ए इंडिपेंडेंट ऐसे वेरिएबल भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एंडोजेनस हों, यानी वो डिपेंडेंट बन सकते हों, तो ऐसी सूरत में जो ओएलएस अप्लाई करेंगे उसके रिज़ल्ट उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे, उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो इसलिए जॉनसन क्या काम करता है कि सबकी बारी बारी ये डिपेंडेंट बनाकर सिस्टम में इक्वेशन लेके आता है और वो देखता है कि कितनी कोइंटीग्रेशन है, क्या सिर्फ आपकी ही मेन इक्वेशन में है, अगर आपकी मेन इक्वेशन में है तो इसका मतलब क्या आएगा, वन कोइंटीग्रेटिंग रिलेशनशिप और इक्वेशन, अगर इसके बनाए हुए रिलेशनशिप में दो में रिलेशनशिप नज़र आ रही है कोइंटीग्रेशन, बाकी सब में नहीं आ रही, कहेगा टू कोइंटीग्रेशन। इसी तरीके से जितने यहाँ पर आ जाएंगे वो कहलाएगी जितने नंबर ऑफ कोइंटीग्रेटिंग रिलेशनशिप। अगर जॉनसन ने भी यही बताया कि जो इक्वेशन आपकी मेन इक्वेशन है उसी में कोइंटीग्रेशन है, बाकी किसी को भी डिपेंडेंट बना रहा हूं तो कोइंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ऐसी सूरत में जिसमें सिंगल कोइंटीग्रेटिंग इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ऐसी सूरत में वन कोइंटीग्रेटिंग,
वन को इंटीग्रेट, यानी कि सिर्फ एक ही मेन रिलेशनशिप है उसी में को इंटीग्रेशन है, तो ऐसी सूरत में भी आप क्या अप्लाई कर देंगे, OLS अप्लाई कर देंगे, क्योंकि वन को इंटीग्रेटिंग इक्वेशन है, मल्टीपल है ही नहीं, सिस्टम में काम ही नहीं करे। लेकिन अगर सिस्टम में एक से ज़्यादा को इंटीग्रेशन हैं, यानी ये रिलेशनशिप भी को इंटीग्रेशन शो कर रहा है, ये रिलेशनशिप भी को इंटीग्रेशन शो कर रहा है, ये रिलेशनशिप भी को इंटीग्रेशन शो कर रहा है, तो ऐसी सूरत में जब आप कोफिशिएंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो OLS के रिजल्ट उतने रिलायबल नहीं होते। तो उसी वक्त जब आप को इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो वहीं पर हमें कुछ कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं, कब, मोर देन वन को इंटीग्रेटिंग इक्वेशन में। और वो किस मेथड से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मोर देन वन को इंटीग्रेटिंग इक्वेशन अगर हो तो उस वक्त जॉनसन के रिजल्ट खुद कोफिशिएंट प्रोवाइड कर दें विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन। तो ऐसी सूरत में मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन के रिजल्ट ज़्यादा रिलायबल होंगे अगर को इंटीग्रेशन एक से ज़्यादा हो। लेकिन अगर सिंगल को इंटीग्रेशन है तो आप सिंपल OLS अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें, इसका प्रोसीजर तो हमें समझ में आ गया, यहाँ पर ये को इंटीग्रेशन कैसे निकालता है। देखें, सिस्टम आ गया, ये पूरा सिस्टम बन गया, इस सिस्टम में से ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करता है। अब ये मैट्रिक्स का एक पूरा चैप्टर है, वो अगर आप देख लें इन सिस्टम्स के कोफिशिएंट्स के एक मैट्रिक्स फॉर्म करता है। अब कैसे करता है, एक मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर हमारा फोकस है सिर्फ समझाने के लिए। और जब यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है, यहाँ भी कोई नंबर है, तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की जाती है। इस मैट्रिक्स को क्या बनाने की कोशिश की जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनता है, रॉ और कॉलम के ऑपरेशन से यहाँ वन लाने की कोशिश होती है, यहाँ वन लाने की कोशिश होती है, यहाँ वन लाने की कोशिश होती है। अगर ये तीनों जगह लेट सपोज वन आ जाए तो इसका मतलब आपकी तीन ही पॉसिबल थी, तो इसका मतलब थ्री को इंटीग्रेटिंग है, ठीक है। फिर इसका अगर फॉर एग्जाम्पल ये दो वन आए, बाकी सब जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो इसका मतलब अब सिस्टम में इक्वेशन तो तीन है लेकिन को इंटीग्रेटिंग कितनी है, दो है। इस तरीके से अगर ये भी जीरो हो जाए अब इक्वेशन अप्लाई करने में और सिर्फ ये वन बच जाए, बाकी सारा जीरो हो जाए, तो इसका मतलब है वन को इंटीग्रेटिंग इक्वेशन है। तो आपके पास बेसिकली मैट्रिक्स का हम क्या मालूम करने की कोशिश करते हैं, रैंक। ये रैंक मैट्रिक्स मालूम करने का तरीका है, रैंक मैट्रिक्स। तो जब मैट्रिक्स का रैंक पता करें, तो अगर यहाँ सिर्फ एक आता है तो उसकी वैल्यू वन है, और जितने भी यहाँ बनाते रहेंगे आइडेंटिटी में बनाते रहेंगे, इसका मतलब को इंटीग्रेटिंग इक्वेशन बढ़ती चली जाएगी। तो जो हम रैंक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, वो रैंक मैट्रिक्स हमें बताता है कि जॉनसन को इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, कि कितनी को इंटीग्रेटिंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो हमने देखा कि हमारे पास एंगल ग्रैंगर को इंटीग्रेशन एक प्रोसीजर है, और यहाँ पर सिंगल इक्वेशन प्रोसीजर है। अगर यहाँ मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो तो वो किसी और रिलेशनशिप को एग्जामिन नहीं करेगा, सिंगल इक्वेशन से एग्जामिन करेगा। और उसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आप रिग्रेशन रन करेंगे, रिग्रेशन रन करने के बाद आप उसमें से रेजिडुअल फाइंड करेंगे, रेजिडुअल फाइंड करने के बाद उस रेजिडुअल पर यूनिट टू टेस्ट अप्लाई करेंगे, और जब सारे वेरिएबल आई वन थे और ये रेजिडुअल आई जीरो आ जाए तो उसका मतलब को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, आप फर्दर मूव कर सकते हैं। लेकिन जॉनसन प्रोसीजर क्या काम करता है, जॉनसन प्रोसीजर उन तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो तमाम पॉसिबिलिटीज को चेक करता है विद द हेल्प ऑफ रैंक मैट्रिक्स। और रैंक मैट्रिक्स में जब ये ऑपरेशन ही अप्लाई करता है तो जितने रैंक इसके आते हैं, यानी जितना वन वन ये यहाँ पर बचेगा, उतनी को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। और अगर मल्टीपल को इंटीग्रेशन आ रही है तो ऐसी सूरत में OLS के रिजल्ट उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, तो जॉनसन का टेस्ट itself मैक्सिमम लाइकलीहुड को इस्तेमाल करते हुए इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर यहां पर ये कह रहा है कि सिंगल ही को इंटीग्रेटिंग इक्वेशन है जो कि आपकी मेन इक्वेशन है, तो ऐसी सूरत में आप डायरेक्ट OLS भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप एंगल ग्रैंगर और जॉनसन का ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।